ट्रिपल जंप जो कि एक फील्ड इवेंट है एथलेटिक्स का, और ट्रिपल जंप करने के लिए लेग्स की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, मसल्स स्ट्रांग होनी चाहिए। और ट्रिपल जंप जो है सो जंपिंग इवेंट का एक पार्ट और एथलेटिक्स का फील्ड इवेंट होता है। जैसे हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, वैसे ट्रिपल जंप है, चार जंप इवेंट होती है, एक पोल वॉल्ट भी होता है। तो अगर किसी को बिगनर को स्टार्ट करना है तो उसे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो हम देखते हैं। तो जो सबसे पहले इसमें प्रोसेस होता है वो है आपका रनवे, यानी आप लॉन्ग जंप की तरफ भाग कर आते हैं। देन एक टेक ऑफ बोर्ड होता है जिसको 13 मीटर पे रखा जाता है, नॉर्मली अगर छोटी एज ग्रुप है तो 11 या 9 मीटर से भी रख कर किया जा सकता है। अभी जो इसकी स्टेप होती है वो रन के बाद आपको यहाँ से जो अप करना है बॉडी को, तो वहाँ पे हॉप आती है पहले, ये वाली हॉप। तो आप पहले स्टेप में जो है सो हॉप करते हैं, रन देन हॉप, जिससे कि टेक ऑफ बोलते हैं। तो टेक ऑफ के बाद जिस पांव से टेक ऑफ लिया गया है, अगर लेफ्ट से टेक ऑफ है तो लेफ्ट से ही हॉप होगी, और अगर वो आपने राइट से टेक ऑफ किया है तो राइट से ही जो है सो आपको हॉप करना पड़ेगा। देन हॉप करने के बाद जो सेकेंड स्टेप आती है वो है स्टेप, यानी रन किया, यहाँ से टेक ऑफ किया, तो दिस टेक ऑफ, देन सेकेंड लेग से हॉप, एंड थर्ड लेग से आपको फिर अंदर की तरफ जो है जंप करना होता है। कंपलसरी ये है कि आपकी जो जंप है वो पिट के अंदर एटलीस्ट पहुंचनी चाहिए, तो ही मेजरमेंट किया जाएगा। और यहाँ से रनवे होती है, रनवे जो है सो 45 मीटर तक हो सकती है, और देन अगेन यहाँ से टेक ऑफ, हॉप, स्टेप एंड लास्ट में फिर जंप। उसमें आप एक्शन इन द एयर को ऐड कर सकते हैं कि आप कितना एक्शन कर रहे हैं एयर में, सो देट आपकी जंप आगे पीछे जा सकती है। अभी आपको एक बार हॉप करके दिखाया कि नॉर्मली जो है सो हॉप किस लेवल का होता है, और हॉप करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। आपको जैसे अपने बॉडी को राइज अप पोजीशन में पीछे की तरफ अगर आप खींचते हैं तो आपकी हॉप अच्छी होती है। दिस कैन बी डन, ऐसा भी कर सकते हैं एंड इस लेवल से भी किया जा सकता है। चलिए एक बार हॉप करके दिखा दो। तो ये देखिए, ये जो है सो हॉप का स्टेप है, ये देखिए ये हॉप हुआ। तो इस तरीके से कुछ हॉप की जाती है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक बार पूरा ही करके बताता हूँ कि हॉप स्टेप जंप में किस तरीके से वो किया जाता है। तो अभी आपको एथलीट जो है सो हॉप स्टेप एंड जंप में आपको लास्ट तक जो है सो जंप करके बताएगा। तो देख लेते हैं एक बार हम। तो ये आप देख सकते हैं सो एथलीट रेडी है और वो रनअप ले रखे। चलो स्टार्ट करो। देखिए वहाँ से जो है सो कुछ ऐसा रनअप होता है, रनअप के बाद जहाँ से टेक ऑफ करेंगे वहाँ से ये टेक ऑफ हो गया, देन दिस स्टेप एंड दिस जंप। सो वहाँ से रन हुआ, हॉप हुआ, स्टेप हुआ, एंड देन लास्ट में जंप। तो जंप के बाद जो है सो लास्ट टच नियरेस्ट टू द टेक ऑफ बोर्ड विल बी काउंटेड, जो लास्ट टच होगा नियरेस्ट पॉइंट टेक ऑफ बोर्ड का उसको जो है सो काउंट किया जाएगा, और इस तरीके से जो है सो इसकी काउंटिंग होती है। तो ये था अपना ट्रिपल जंप, एक बार फिर से करके बताते हैं। तो इसमें खास देने वाली बात ये है कि जब भी आप टेक ऑफ करते हैं तो आपकी बॉडी को ऐसे पीछे की तरफ लेकर जाए, यानी बॉडी को आगे स्ट्रेचअप करना है, तो आपकी बॉडी आगे जाएगी जितनी अच्छी आपकी हॉप होगी। देन सेकंड स्टेप रखना है, देन थर्ड में आपको अंदर जंप करना है। तो तीन स्टेप पे ये हो जाती है, हॉप स्टेप जंप भी इसे बोला जाता है, लेकिन उसके पहले रनवे होती है, टेक ऑफ होता है। तो लास्ट में जब अंदर जंप कर रहे हैं तो एक्शन इन द एयर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको बॉडी को फोर्सफुली पीछे स्ट्रेचअप करके आगे लेके जाना है। देखते हैं फिर से एक बार हम ट्रिपल जंपर को। चलो रेडी स्टार्ट। ये देखिए रनवे इन्होंने स्टार्ट किया, देन रनवे के बाद यहाँ से इन्होंने किया टेक ऑफ, हॉप, स्टेप एंड देन लास्ट में जंप। सो ये था अपना पूरा ट्रिपल जंप। सो जब भी आप ट्रिपल जंप करें उससे पहले वार्मिंग अप जरूर कर लें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एक मोस्ट डिफ़िकल्ट इवेंट है एथलेटिक्स का। प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप हॉप करके गिरते हैं तो पूरी बॉडी का वेट आपके एक ही पाँव के ऊपर होता है, तो ज़रा सा भी आपका पाँव ट्विस्ट हुआ, लैंडिंग प्रॉपर नहीं हुई हॉपिंग की, तो वो ब्रेकडाउन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो जब भी आप ट्रिपल जंप करें पूरी बॉडी का वार्मअप कर लें, उसके बाद ट्रिपल जंप ज़रूर किसी कोच या सुपरवाइज़र के अंदर में करें, सो दैट वो आपको सारे स्टेप बाय स्टेप गाइड बता सकता है किस तरीके से ट्रिपल जंप करना है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, डू लाइक एंड सब्सक्राइबर्स।